हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले 3D कॉम्पोजिशन। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्यूब, एक क्यूबॉइड, एक सिलेंडर, एक स्पीयर और एक पिरामिड, ऐसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए है और ये आपको मैं यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। ये मैंने स्केच यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। स्केच करते समय लाइट लाइट करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, मैं हमेशा ही ये बोलता हूँ। पहले लाइटली स्केच करने के बाद ही आपको फिर कलरिंग करनी है। अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो इरेजर से थोड़ा लाइट कर लेना, ये भी बात आप ध्यान दो। तो यहाँ पर मैंने स्पीयर निकाला, पीछे सिलेंडर निकाला, अब यहाँ पर मैं क्यूब निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया और ये मैं वार्म कलर स्कीम में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कलरिंग किस तरह कर दें ये आपको देखना है। यहाँ मैंने शैडो के लाइंस मैंने नीचे ले लिए हैं कि शैडो कैसे आएंगी, तो इस हिसाब से राइट साइड से बैक साइड जो है राइट से यहाँ पर मैंने लाइट लिया है। तो ऑब्वियसली हमारे फ्रंट जो आ रहा है ये, तो यहाँ पर डार्क टोन आएगा, फिर मिडल टोन और फिर लाइट टोन। दोस्तों कॉम्पोजिशन करते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि कौन से साइड में हमारी शैडो आ रही है, वो साइड थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पेपर पॉलिशिंग में छोड़नी है। अगर आप पूरा कॉम्पोजिशन सेंटर में अगर लोगे तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो कॉम्पोज अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं ये गोल्डन येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसको क्रोम येलो कलर भी बोलते हैं। ये कलरिंग मैंने सिलेंडर के ऊपर पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अभी मैं रेड कलर, डार्क ऑरेंज कलर, रेड बोलने से डार्क ऑरेंज कलर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो जो बैक साइड है लाइट जिस साइड से, उसकी जो बैक साइड आएंगी वहाँ पर डार्क कलर। दोस्तों वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो ये समझ में आएगा कि कलरिंग किस तरह करते हैं। तो इसके पहले मैंने 2D डिज़ाइन के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वैसे अक्षय सर ने मैथ्स का वीडियो भी अपलोड किया है। फिर मेरे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनका वर्क मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है कि बच्चे किस तरह करते हैं और उनका इम्प्रूवमेंट भी मैंने दिखाया है। तो इसका रीज़न ये है बच्चों का वर्क दिखाने का कि आप आपका वर्क उनसे कंपेयर कर सकते हो। अगर उनसे भी ख़राब वर्क है आपका तो ज़रूर आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है और अच्छा वर्क है तो और भी अच्छा आप बना सकते हो। मैं क्लासेस लेता हूँ, ये बात मैंने वहाँ पर भी बताई, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो मैं डालते ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो, मेरे क्लासेस कब से स्टार्ट है और वीडियो भी मैं 2-3 साल से कंटिन्यूली डाल रहा हूँ, बीआर के भी और नाटा की भी, और क्लासेस भी लेता हूँ। तो किसी को अगर गलत फहमी हो गई होंगी कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मैं क्लासेस की ऐड करता हूँ, तो दोस्तों देखो क्लासेस लेना ये मेरा प्रोफेशन है और मैं क्लासेस ही लेता हूँ क्योंकि दूसरा जरिया, मेरा इनकम सोर्स दूसरा नहीं है।
और YouTube जो है वो आपके लिए फ्री है। यहाँ पर मैं आपके लिए भी वही करता हूँ जो क्लासेस में लगभग सिखाता हूँ। इतना ही है कि वहाँ पर ज़्यादा डिटेल सिखाया जाता है और यहाँ पर इतना डिटेल सिखाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ 10-15 मिनट का वीडियो ही अपलोड किया जा सकता है। तो जितना भी आपको यूट्यूब से सीखना है आप सीख सकते हो। मेरी ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने क्लास लगाना चाहिए। जितना मेरे से होता है उतनी मैं कोशिश आपको सिखाने की यूट्यूब से करता हूँ और सभी बातें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ कुछ बच्चे थोड़े कमेंट्स अलग सोच से कर देते हैं, खैर अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मुझे क्लासेस चलानी है तो मैं कहाँ ऐड करूँ, ये भी सवाल है। तो जिनको क्लासेस लगानी है वो क्लासेस लगा सकते हो मेरे तरफ, दूसरे तरफ कहाँ पर भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही तरफ क्लासेस लगाओ, जो अच्छा सिखाता है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ पर क्लासेस लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन कलर के दो टोन यहाँ पर दिख रहा है, ये मिडल टोन राइट साइड में आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट साइड में डार्क टोन मैंने लिया है। तो यहाँ 3D कंपोजिशन किस तरह करते हैं ये मैंने दिखाया बताया, पहले ड्राइंग करके दिखाया, अभी मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। तो ये मिडल टोन यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो पिरामिड है इसकी भी शैडो, जो क्यूबॉइड है उसके ऊपर नज़र आएगी, तो वहाँ पर थोड़ा डार्क लेना है क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है वो लाइट आएगा। अब यहाँ स्पीयर के ऊपर भी यहाँ पर देखो जो क्यूबॉइड है उसकी शैडो यहाँ नज़र आएगी, ये क्यूबॉइड के ऊपर स्पीयर के ऊपर क्यूबॉइड की शैडो यहाँ ऊपर थोड़ी नज़र आएगी, और ये जो साइड है उसकी बैक साइड जो आएगी लाइट की बैक साइड ये वाली, तो यहाँ पर इस साइड में लाइट और मिडल टोन ऊपर लाइट आएगा और यहाँ पर डार्क आएगा। तो दोस्तों इस तरह उसकी राउंडिटी नज़र आनी चाहिए, ये आपको देखना है। इसी तरह आपकी शेडिंग आनी चाहिए कि वो जो स्पीयर है वो राउंड लगना चाहिए, उसकी राउंडिटी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह की कि आप शेडिंग कर सकते हो, यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली लाइट के अपोजिट, मतलब हमारी जो फ्रंट साइड आएगी थोड़ी राइट साइड से, तो वहाँ पर यहाँ डार्क पोर्शन आएगा, ये सारा जो वाइट दिख रहा है उधर कंप्लीट डार्क पोर्शन आएगा राइट साइड में, और ऊपर के साइड यहाँ लाइट छूटेगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप कि मैं लाइट और ये कंप्लीट डार्क पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये कम्प्लीटली डार्क रहेगा। तो स्पीयर की शैडो यहाँ पर आएगी, ये लगभग मैंने इस जो ऑब्जेक्ट है उनको कलर करके दिखाया है, थोड़े डिटेल्स बाकी है अभी। ये सारे शेड्स और टोन कैसे आते हैं, अभी शैडो कैसे आएगी ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कंपोज करते समय अलग अलग मत करना, सब चीज़ें एक दूसरे को ज्वाइंट रहनी चाहिए, उनका ग्रुप लगना चाहिए, इतनी बात
ज़रूर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया है क्योंकि सिर्फ शैडो ही करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर ये आपको दिखा रहा हूँ। ये लगभग टोटल पूरी असाइनमेंट जो है मेरी, ये सब ड्राइंग करके सब निकाल के यहाँ पर 21 to 22 मिनट में ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये सब शेडिंग वगैरह सब बनाने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं उसकी भी शैडो वहाँ पर आएगी, वो मैं थोड़ी भूल गया था, सिलेंडर की शैडो क्यूबॉइड के ऊपर। अगर सिलेंडर है तो ऊपर का पार्ट जो है वो सर्कुलर आने वाला है। ये कुछ कुछ बातें जो है ये थोड़ी आप याद रखना है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी जाएगा और ये दिमाग में फिट होते जाएगा कि कौन सी चीज़ को कैसा शैडो करते हैं, किस तरह से शैडो आई तो कैसा दिखेगा, कि कौन से साइड से अगर लाइट आए तो शैडो कैसी दिखेगी, ये यहाँ पर मेरी दिखाने की कोशिश। ये स्पीयर की शैडो, ये स्पीयर की शैडो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये लगभग हमारा ड्राइंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो बताना है। थैंक यू वेरी मच।